कोरोना के घटते मामलों और रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के बीच राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आगाज हो गया है। विश्व प्रसिद्ध इस मेले में जोधपुर के अरविंद जांगेड़ एक भैंसे को लेकर पहुंचे। इस भैंसे की कीमत 24 करोड़ रुपए है। मेले में भैंसे को मोतीसर रोड पर प्रदर्शन के लिए रखा गया है। जैसे ही भैंसा मेले में पहुंचा, देखने वालों में होड़ लग गई। इस भैंसे की खासियत सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। पुष्कर तीर्थ में भगवान ब्रह्मा जी का दुनिया का इकलौता मंदिर है। यहाँ के पशु मेले में दुनिया भर के लोग पहुँचते हैं। राजस्थान के साथ साथ पूरे देश की छटा इस मेले में दिखाई देती है। क्या है इस भैंसे की खासियत? इस भैंसे का नाम भीम है। जोधपुर के अरविंद जांगेड़ इस भैंसे को मेले में लेकर पहुंचे हैं। इस भैंसे का वजन 1500 किलो के करीब है, जो 14 फीट लंबा और 6 फीट ऊंचा है। इसके रखरखाव और खुराक पर हर महीने 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा होता है। ये भैंसा हर रोज 1 किलो घी, 0.5 किलो मक्खन, 200 ग्राम शहद, 25 लीटर दूध, 1 किलो काजू बादाम खाता है। ये मुर्रा नस्ल का भैंसा है, जिसकी डिमांड दुनिया भर में रहती है। अरविंद इस भैंसे को बेचना नहीं चाहते, वे मुर्रा नस्ल के संरक्षण के उद्देश्य से इस भैंसे को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। ड्रीम बुल ये इंटरनेशनल रेपुटेशन का बुल है। प्योर 100% मुर्रा ब्रीड का बुल है। इसका वेट 1500 किलो है। लंबाई नोज टू टेल 14 फुट है, हाइट 6 फुट है और इसकी उम्र लगभग 7 वर्ष। इसका मेन रोज का खर्चा 4000 से 5000 के बीच है। इसको सीजनल डाइट दी जाती है, सर्दियों में सर्दी की डाइट, गर्मियों में गर्मी की डाइट, और एज पर जो वेटरनरी डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से इसको खिलाया पिलाया जाता है, ताकि ये बिल्कुल हेल्दी और वेल्दी बना रहे इसी तरह से। अरविंद ने बताया कि अफगानिस्तान से आए एक शेख परिवार ने इस भैंसे की कीमत 24 करोड़ रुपए लगाई है। अरविंद इस भैंसे को बेचना नहीं चाहते, वे इस भैंसे को इस मेले में सिर्फ मुल्ला नस्ल के संरक्षण के उद्देश्य से प्रदर्शन के लिए लेकर आए हैं। अरविंद इस भैंसे को 2018 और 2019 में पुष्कर मेले में प्रदर्शन के लिए लेकर आए थे। इसके अलावा बालोतरा, नागौर, देहरादून समेत कई मेलों में इसका प्रदर्शन कर चुके हैं। अरविंद ने मेलों में आयोजित पशु प्रतियोगिता में भाग लेकर पुरस्कार भी जीते हैं। वे इच्छुक पशुपालकों को भीम का सीमन उपलब्ध कराते हैं। मुर्रा नस्ल के इस भैंसे के सीमन की देश में बड़ी डिमांड रहती है। हर साल बढ़ रही है भैंसे की कीमत। भीम का वजन 2 साल में 200 किलो बढ़ा है और कीमत 3 करोड़ रुपए बढ़ गई है। पुष्कर मेले में जब भीम को दूसरी बार 2019 में लेकर आया गया था, तब इसका वजन 1300 किलो था, जबकि अब इसका वजन 1500 किलो पहुंच गया है। इसी प्रकार पिछली बार इसकी बोली 21 करोड़ तक लगाई गई थी और अब 24 करोड़ रुपए का ऑफर मिल चुका है, लेकिन मालिक इस कीमत पर भी इस भैंसे को बेचने के लिए तैयार नहीं है। क्या होती है मुर्रा नस्ल के भैंसे की खासियत? मुर्रा नस्ल के भैंसे की दुनिया भर में काफी डिमांड रहती है। इसके सीमन से होने वाली भैंस का पैदा होते ही 40 से 50 किलो वजन रहता है, जो वयस्क होने के साथ साथ एक ही बार में 20 से 30 लीटर तक दूध देती है। इसके 0.25 ml सीमन की कीमत करीब 500 रुपए है। 0.25 ml सीमन एक पेन की रिफिल जैसी स्ट्रॉ में भरा जाता है। अरविंद जांगेड़ साल भर में ऐसी 10,000 स्ट्रॉ बेच देते हैं। एक बार में 4 से 5 ml सीमन इकट्ठा होता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल एशियानेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।